हाय गाइस, भारद्वाज प्रोजेक्ट से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि अगर कोई भी एक डाइपोल है, कैसा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, अगर वो डाइपोल प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ यू हैव डिस्कस द टॉर्क्यू ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज एम बी साइन थीटा। दिस इज टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। दिस इज टॉर्क्यू। दिस टॉर्क्यू इज रोटेट द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कि जो ये टॉर्क्यू है, ये क्या काम करता है कि कोई भी एक डाइपोल है, जैसे डाइपोल है, सपोज ये एक डाइपोल है एस और एन, ये किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस डाइपोल पे क्या लगता है, टॉर्क्यू पैदा होता है। तो वो टॉर्क्यू करता है, इस डाइपोल को रोटेट करता है, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज। एंड वर्क डन इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क्यू। कि जो वर्क डन इस पे लगता है वो क्या होता है, इसे टॉर्क्यू के अगेंस्ट लगता है, और वो वर्क डन एक्वायर करता है स्टोर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दिस इज dW इक्वल टू tau इंटू में डी थीटा। दिस इज dW इक्वल टू tau इंटू में डी थीटा, tau इंटू में डी थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ tau, dW इक्वल टू tau इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। dW इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा। नाउ टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग थीटा वन टू थीटा। दिस इज थीटा वन इज द इनिशियल एंगल्स, थीटा टू इज द फाइनल एंगल्स। नाउ इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा वन टू थीटा टू एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा, एम बी साइन थीटा इंटू में डी थीटा, वेयर डी डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज डब्ल्यू, एम बी इज कॉमन आउट, थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा इंटू में डी थीटा, साइन थीटा इंटू में डी थीटा। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। दिस इज W इक्वल टू माइनस एम बी, मैंने माइनस को भाग ले लिया, कॉस थीटा लिमिट इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट थीटा वन टू थीटा टू। नाउ यूजिंग द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, वेयर M इज द, दिस इज M, M इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, U इज द पोटेंशियल एनर्जी, W इज द वर्क डन, कॉस एंगल्स है थीटा वन और थीटा टू। इफ केसेस थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा टू इक्वल टू थीटा, अगर थीटा वन 90 डिग्री है और थीटा टू कितना है हमारे पास
थीटा है, तो वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90. कॉस 90 क्या होता है, ऑलवेज जीरो. देन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा, दिस इज यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. केस वन, केस वन, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर जो डाइपोल आपने लिया है नेस, अगर ये परपेंडिकुलर है किसके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है. कि अगर डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90, कॉस 90 ऑलवेज जीरो, वेयर यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90, कॉस 90 का जाएगा जीरो, तो यू इक्वल टू जीरो, देन यू इक्वल टू जीरो, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. अगर थीटा 90 है या डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इक्वल टू 90, कॉस 90 ऑलवेज जीरो, देन यू आल्सो जीरो. केस टू, केस टू, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन कॉस 0, कॉस 0 ऑलवेज 1, इट मींस यू इक्वल टू माइनस एम बी, इट मींस यू इक्वल टू माइनस एम बी मींस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मिनिमम एंड स्टेबल एंड स्टेबल मोस्ट स्टेबल पोजिशन, दिस इज मोस्ट स्टेबल पोजिशन. अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो यू इक्वल टू माइनस एम बी मिनिमम एंड द पोजिशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट स्टेबल पोजिशन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजिशन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजिशन. नाउ केस थर्ड, नाउ डिस्कस द केस थर्ड, लास्ट केस है इसका. केस थर्ड, अगर इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, देन कॉस 180 इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यू इक्वल टू एम बी, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन. ये क्या सो करेगा, मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन, अनस्टेबल पोजिशन. केस थर्ड, कि एफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा हमारे पास कितना है 180 डिग्री है, देन कॉस 180, कॉस 180 ऑलवेज माइनस 1, तो यू इक्वल टू एम बी, दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, मिनिमम जीरो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो मिनिमम माइनस, इट मीन्स दिस कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो मोस्ट स्टेबल पोजिशन. अगर थीटा 0 डिग्री का होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी. अगर थीटा 180 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम एंड दिस इज मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. Thank you for watching this video. Please subscribe the channel, press the bell icons.